हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड कुकिंग एंड फैक्ट्स। आज हम बनाने वाले हैं चाय। चाय एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चाय की एक रेसिपी लाया है, बट इसके पीछे कुछ कारण है। कितने लोग बोलते हैं कि मेरी चाय फट जाती है, पता नहीं क्यों फट जाती है, पहले दूध डालूं या पहले पानी डालूं, कितना पकाऊं, कितना चीनी डालूं, कितना चाय पत्ती डालूं, और कैसे कड़क बनेगा चाय, कैसे टेस्ट बढ़ेगा, कौन सी चाय पत्ती यूज करें। तो ये सारी चीजों के लिए आइए अभी हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि कैसे बनाते हैं। चाय बनाने के लिए हम सॉस पैन लेंगे। इसमें हम आधा ग्लास के करीब पानी डाल देंगे। हमारे यहाँ 2 कप चाय बना रहे हैं अभी हम, तो उस प्रोपोर्शन में मैंने 1.5 कप पानी लिया है। अब हम गैस को करेंगे ऑन। सबका अपना अपना चाय बनाने का तरीका होता है। कोई पहले पानी में दूध डाल देता है, फिर अदरक डालता है, और कोई कोई अलग तरीके से बनाते हैं। मैं अपना वे बता रही हूँ। तो पहले मैं पानी को पूरा बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं अदरक डालती हूँ। तो अदरक के लिए मैंने 1 इंच के करीब अदरक लिया है, और इसमें मैं 6 गोल मिर्च लूंगी। ये हमारा मसाला चाय भी है, आप इसको मसाला चाय भी समझ सकते हैं। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कूट लीजिए अदरक को और गोल मिर्च को। गोल मिर्च को इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हैं। अच्छे से कूट लीजिए कि इसके फ्लेवर्स निकल आए। और फिर हम अभी हमारा पानी भी एकदम बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे हम हमारा अदरक पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से खोल जाए और हमारा अदरक और गोल मिर्च का फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाए। बस हम 30 सेकंड के करीब अच्छे से बॉईल होगा ये। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो हमने 1.5 कप के करीब पानी लिया है, तो हम 1 कप दूध डालेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने 1 करीब के करीब दूध लिया है। अब हम इसमें फिर वेट करेंगे, ये जब एक बार और बॉईल हो जाएगा अच्छे से, तब हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे। तो अभी हमको थोड़ा वेट करना है बॉईल आने का। इस टाइम पे आप थोड़ा वेट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो फिर अभी अदरक डालेंगे, फिर अभी दूध डालेंगे, चीनी, चाय पत्ती, तो ये चाय फट जाती है कितनी बार। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध अभी उबल चुका है। दूध, पानी और चाय पत्ती, ये गोल मिर्च और अदरक अच्छे से खोल रहा है। सो इस टाइम पे आप थोड़ा सा फ्लेम कम कर दीजिए ताकि ये लो हीट में अच्छे से पक जाए। सो हमारा पानी दूध सब पक चुका है, अभी हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे। तो हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती डालेंगे। अगर आपको और ज़्यादा कड़क पीना है चाय, तो फिर आप थोड़ा सा और चाय पत्ती बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये और थोड़ा सा खोलेगा, इस तरीके से आप इसको हिला दीजिए, क्योंकि ये जब उबलता है तो ये साइड साइड में चाय पत्ती लग जाती है, जिसके वजह से फिर फ्लेवर अच्छे से आ नहीं पाता चाय पत्ती का। तो आप इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक और पकाइए और इसका कलर और सुनहरा हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा चाय का रंग बहुत अच्छा आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बॉयल भी हो चुका है, सब चीज़ अच्छे से पक चुके हैं, इसके सबके फ्लेवर्स आ चुके हैं। अब इस टाइम पे हम लास्ट में चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप के करीब चाय बना रही हूँ, तो इसमें मैं 2.5 चम्मच चीनी डालूंगी। अगर आप ज़्यादा चीनी वाला चाय पीते हैं तो थोड़ा सा चीनी और बढ़ा सकते हैं। इसको आप और 1 मिनट तक पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा चाय जो है एकदम पक चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे कप में। सो अब हम अपना चाय छान लेंगे। मुझे तो वैसे गिलास में पीने की ज़्यादा अच्छा लगता है चाय, और
मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कप पे छाना है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए गर्मा गर्म चाय हमारा रेडी है। सो शाम की चाय अगर कड़क हो तो उससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, और सुबह की चाय अगर इस तरह से मिल जाए तो पूरा दिन ही अच्छा शुरू होता है। सो आप इस चाय को एकदम मेरे तरीके से बना के पीजिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि चाय का स्वाद आपको कैसा लगा। आपके गेस्ट भी ज़रूर बोलेंगे कि चाय बहुत टेस्टी बनी है। सो प्लीज़ आप ट्राई, सो आप मेरे तरीके से चाय ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।